दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्य की पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, तुलसीकृत रामचरितमानस के बालकांड और उत्तरकांड की चर्चा हम पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अयोध्या कांड की ओर। अयोध्या कांड रामचरितमानस का द्वितीय सोपान है। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड श्लोक। इस कांड का प्रारंभ मंगलाचरण के श्लोक से होता है। तुलसी लिखते हैं, यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर गले चगरलम यशोरसी व्यालराट तोयम भूति विभूषण है सुरवर है सर्वाधिप है सर्वदा शर्व सर्वगत है शिव शशिन भय श्री शंकर पातु माम। मित्रों, यशांके यश धन अंक। मित्रों, अंक के कई अर्थ हैं। यहां अंक से तात्पर्य है पार्श्व या बगल, च अर्थात और, विभाति अर्थात सुशोभित हैं, भूधर सुता भूधर अर्थात हिमालय और सुता अर्थात पुत्री। तो भूधर सुता अर्थात हिमालय की पुत्री, हिमालय की कन्या अर्थात पार्वती जी, और देवापगा अर्थात देवताओं की नदी अर्थात गंगा जी, मस्तके मस्तक पर, भाले अर्थात ललाट में भाल पर, बाल विधु अर्थात द्वितीया का चंद्रमा अर्थात दोज का चंद्रमा, गले अर्थात कंठ में, गरलम विष या हलाहल, यशोरसी अर्थात यश्य धन उरसी अर्थात जिसके वक्षस्थल पर, उर पर वक्षस्थल पर, व्यालराट अर्थात सर्पराज या शेषनाग, सोयम अर्थात वही, भूति विभूषण है भस्म से विभूषित या राख से विभूषित, सुरवर है देवताओं में प्रधान, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वाधिप है सर्वधन अधिप है अर्थात सबके स्वामी या सर्वेश्वर, और सर्वदा अर्थात अविनाशी या सदा रहने वाले, शर्व है अर्थात संहार करता, सर्वगत है अर्थात सब में व्याप्त या सर्वव्यापी, शिव है अर्थात कल्याण स्वरूप, शशिनिभ है अर्थात चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण वाले, पातुमाम अर्थात मेरी रक्षा करें। मित्र तुलसीदास जी कहते हैं कि यशांके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके, कि जिनके बगल में जिनके पार्श्व में विभाति सुशोभित होती हैं, कौन? भूधर सुता पार्वती जी, और जिनके मस्तक पर सुशोभित होती है कौन? देवापगा अर्थात गंगा जी जिनके मस्तक पर सुशोभित होती हैं, और भाले बाल विधु अर्थात ललाट पर, बाल विधु अर्थात द्वितीय का चंद्र, दोज का चांद जिनके ललाट पर सुशोभित होता है, गले च गरलम और कंठ में जिनके हलाहल विष सुशोभित होता है, और यशोरसी व्यालराट जिनके वक्षस्थल पर सर्पराज सुशोभित होते हैं, स्वयं भूति विभूषण है सुरवर है सर्वाधिप है सर्वदा शर्व है सर्वगत है शिव है शशिनिभ है श्री शंकर है पातु माम। स्वयं भूति विभूषण है, स्वयं वे ही भूति विभूषण है, भस्म से विभूषित, सुरवर है देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वाधिप है सबके स्वामी, सर्वदा जो अविनाशी हैं, शर्व है संहार करता जो है, सर्वगत है सर्वव्यापी हैं, शिव है जो कल्याण रूपी हैं, और शशिनिभ है जिनका चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण है, ऐसे श्री शंकर जी पातु माम मेरी रक्षा करें। समग्र अर्थ में इसके देखें तो
तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके वाम भाग में पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर दूज का चांद, कंठ में हलाहल विष और वक्षस्थल पर जिनके सर्पराज सुशोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, अविनाशी, संहारकर्ता, सर्वव्यापी, कल्याण स्वरूप, चंद्रमा के समान शुक्ल वर्ण वाले श्री शंकर जी मेरी रक्षा करें। मंगलाचरण के ही अगले श्लोक में तुलसी लिखते हैं कि प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंदन अश्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। प्रसन्नताम अर्थात प्रसन्नता को या जो गताभिषेक तस्तथा, इसका संधि विच्छेद करें तो गता धन अभिषेकत है धन तथा, गता अर्थात गई, अभिषेकत है राजतिलक या राजपथ पर निर्वाचित होने से, तथा और ममले मलिनता को वनवास दुखत है वनवास के दुख से, मुखाम्बुज अर्थात मुख धन अम्बुज अर्थात मुख कमल, श्री अर्थात शोभा रघुनंदनश्य रामचंद्र जी की मैं मेरे लिए सदास्तु सदा हो ता वह मंजुल मंगल प्रदा, सुंदर मंगल प्रदान करने वाली। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रसन्नताम ज्ञान गताभिषेक तस्तथा न ममले वनवास दुखत है, कि श्री रामचंद्र जी के मुख कमल की जो शोभा राज्याभिषेक के निश्चय से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न ममले वनवास दुखत है और न वनवास की आज्ञा के दुख से मलिन हुई, वह शोभा मुखाम्बुज श्री रघुनंदनश्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा, वह शोभा सदा मेरे लिए सुंदर मंगल को देने वाली हो। आगे तुलसी लिखते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीलाम्बुज श्यामल अर्थात नीले कमल के समान, श्याम अर्थात सांवले, कोमलांगम अर्थात कोमल शरीर को, सीता समारोपित सीता सम आरोपित अर्थात सीता से सुशोभित वाम भागम बाएं भाग में, और पाणों अर्थात दोनों हाथों में, महासायक चारु चापम महासायक अर्थात बड़ा तीखा या अचूक बाण, चारु चापम सुंदर धनुष, नमामि रामम नमामि नमस्कार करता हूं रामम राम को, रघुवंशनाथम रघुवंशियों के स्वामी को। तुलसी लिखते हैं कि नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, कि जिनका शरीर नील कमल के समान श्याम और कोमल है, और सीता समारोपित वाम भागम जिनके वाम भाग में श्री जानकी जी सुशोभित हैं अर्थात विराजमान हैं, और पाणो महासायक चारु चापम जिनके हाथों में सुंदर धनुष और अमोघ वाण है, नमामि रामम रघुवंशनाथम उन रघुवंशियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूं प्रणाम करता हूं। मित्रों श्लोक का प्रथम चरण नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, इससे श्री राम के बाल स्वरूप का, दूसरे चरण सीता समारोपित वाम भागम से विवाहित स्वरूप का, और पाणो महासायक चारु चापम इससे वनवासी स्वरूप का, और नमामि रामम रघुवंशनाथम इस चौथे चरण से राज्य प्राप्त श्री रामचंद्र जी की वंदना की गई है। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि श्री गुरुचरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी परनव रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। चरण सरोज रज अर्थात कमल रूपी चरणों की धूलि, मनु मुकुर अर्थात मन रूपी दर्पण,
सुधारी साफ करके, और वर्णौ रघुबर विमल जसु, जसु अर्थात यश या चरित्र, गायकु अर्थात देने वाला, फल चारी चारों फल अर्थात अर्थ धर्म काम और मोक्ष। तुलसी कहते हैं कि श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके, वर्णौ रघुबर विमल जसु, मैं श्री रामचंद्र जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो दायक फलचारी, जो चारों फलों का दाता है, चारों फलों को देने वाला है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारी दस भूदर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। कि जब ते अर्थात जब से नव मंगल अर्थात नए मंगल, मोद अर्थात आनंद हर्ष या खुशी, बधाए अर्थात उत्सव, भुवन अर्थात लोक, चारी दस अर्थात चार और दस 14, 14 भुवन। मित्रों, इन 14 भुवनों में 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। 7 ऊपर कौन कौन से हैं? भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और 7 नीचे कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। इस प्रकार ये 14 भुवन हुए। तो भुवन चारी दस भूधर भारी, भूधर अर्थात बड़े बड़े पर्वत, सुकृत अर्थात पुण्य रूपी, सुख बारी अर्थात सुख रूपी जल। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब ते राम ब्याही घर आए, कि जब से तो रामचंद्र जी ब्याह करके घर में अर्थात अयोध्या में आए हैं, नित नव मंगल मोद बधाए, तब से हमेशा नए मंगल कार्य और आनंद उत्सव हो रहे हैं। और आगे, भुवन चारी दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसे ही सुख बारी, 14 लोक रूपी बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं, अर्थात संपूर्ण लोकों में, समस्त लोकों में पुण्य कार्य हो रहे हैं और सर्वत्र सुख शांति विराज रही है। तुलसी आगे कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भाति। रिद्धि सिद्धि अर्थात रिद्धि और सिद्धि अर्थात समृद्धि या सब प्रकार की उन्नति संपन्नता। मित्रों, ये गणेश जी की दासियां मानी जाती हैं। रिद्धि और सिद्धि की यदि बात की जाए तो सिद्धियां 8 हैं, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। अणिमा अर्थात बहुत छोटा बन जाने की शक्ति, महिमा अर्थात बहुत बड़ा बन जाने की शक्ति, लघिमा अर्थात हल्का बन जाने की शक्ति, गरिमा बहुत भारी बन जाने की शक्ति, प्राप्ति अर्थात दूर की वस्तु पा जाने की शक्ति, प्राकाम्य मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेने की शक्ति, और ईशित्व प्रभुत्व जमाने की शक्ति, वशित्व औरों को वश में कर लेने की शक्ति। तो इस प्रकार वृद्धि और सिद्धि, वृद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई। उमगी अर्थात उमड़कर, अवध अर्थात अयोध्या, अम्बुधि अर्थात समुद्र या सागर, कहूँ आई अर्थात पास आई, मणिगण अर्थात मणियों का समूह, सुजाति अर्थात उत्तम श्रेणी की, उत्तम जाति की, सुचि अर्थात पवित्र। तुलसीदास जी कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ करके किधर आ रही हैं? अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। उमगी अवध अम्बुदि कहूँ आई, अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली कौन? वृद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां। और आगे, मणिगण पुर नर नारी सुजाति,
सुचि अमोल सुंदर सब भांति। नगर के जो स्त्री पुरुष हैं वे अयोध्या रूपी समुद्र की उत्तम श्रेणी की मणियों के समूह हैं, जो सुचि अमोल सुंदर सब भांति, जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर है। कहीं न जाय कछु नगर विभूति, जनु एतनीय विरंचि कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मित्रों, विभूति अर्थात ऐश्वर्य या वृद्धि, इतनीय अर्थात इतना ही, विरंचि ब्रह्मा और करतुति अर्थात गुण या हुनर या कारीगरी, मुखचंदु अर्थात मुख रूपी चंद्रमा। तुलसी कहते हैं कि कहीं न जाए कछु नगर विभूति, उस नगर का अर्थात अयोध्या का ऐश्वर्य या शोभा कुछ कहा नहीं जाता। क्यों? ऐसा लगता है जनो, ऐसा लगता है कि मानो ब्रह्मा की कारीगरी बस इतनी ही है। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, सभी नगर निवासी रामचंद्र मुख चंदु निहारी, रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा को देख करके सब लोग सुखारी, सभी लोग नगर के सभी निवासी सब प्रकार से सुखी हैं। और मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित विलोक की मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाउ, प्रमुदित होई देखी सुनी राउ। मुदित अर्थात प्रसन्न, सखी अर्थात वह स्त्री जो सदा साथ में रहती हो और दोनों के मन प्राण एक हो, फलित अर्थात फली हुई, बेली अर्थात लता, शील अर्थात शील या चाल व्यवहार या आचरण। तुलसी कहते हैं कि मुदित मातु सब सखी सहेली, ये सब माताएं और सखी और सहेलियां फलित विलोक की मनोरथ बेली अपनी इच्छा रूपी लता को फली हुई देख करके प्रसन्न है। और राम रूप गुणशील स्वभाव, प्रमुदित होई देखी सुनी राव। और महाराज दशरथ भी रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देखकर और सुनकर अत्यंत आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहे ही मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। सबके उर अभिलाषु अस कहे ही मनाई महेशु, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महेश को अर्थात शंकर जी को मनाकर यही कहते हैं, क्या आप अछत, अछत अर्थात जीते जी या अपने रहते ही आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेशु। हे राजा, अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दें। आगे तुलसी कहते हैं कि एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरति नर नाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछा। समाजा अर्थात मंत्री आदि दरबारी लोग, रघुराज श्री दशरथ जी विराजा विराजमान थे, बैठे थे, सुकृत पुण्य नरनाहु अर्थात मनुष्यों के स्वामी या राजा, उछाहु आनंदित हो रहे हैं। तुलसी कहते हैं कि एक समय सहित समाजा, कि एक समय महाराज दशरथ जी अपने सभी समाज सहित राजसभा में बैठे थे, राजसभा रघुराज विराजा, और सकल सुकृत मूर्ति नरनाहु, राम सुजसु सुनि अति ही उछाहु। और समस्त पुण्यों की मूर्ति महाराज श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत प्रसन्न है। नृप सब रहे ही कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। मित्रों, लोकप लोकों के राजा या दिशाओं के स्वामी, दिशाओं के स्वामी की बात की जाए तो पूर्व दिशा के स्वामी इंद्र, आग्नेय दिशा के स्वामी अग्नि, दक्षिण के स्वामी यमराज, नैऋत्य के स्वामी नैऋत्य, पश्चिम के स्वामी वरुण, वायव्य के स्वामी वायु, उत्तर के स्वामी कुबेर,
ईशान के स्वामी शंकर, आकाश के स्वामी ब्रह्मा और पाताल के स्वामी विष्णु। इस प्रकार लोकप अर्थात लोकों के राजा या दिशाओं के स्वामी, रुख अर्थात मन का भाव या मर्जी, और रुख राखे अर्थात अनुकूल होकर। तीन ही काल अर्थात तीनों काल, भूत वर्तमान और भविष्य, भूरी अर्थात बड़ा या बहुत। तुलसी कहते हैं कि नृप सब रहे ही कृपा अभिलाषे, कि सब राजा उनकी कृपा चाहते रहते हैं, और लोकप कर ही प्रीति रुख राखे, और लोकपाल उनकी इच्छा को रखते हुए अर्थात उनके अनुकूल होकर उनसे प्रेम करते हैं, प्रेम रखते हैं। और इस प्रकार त्रिभुवन तीन काल जगमाही, तीनों लोकों और तीनों कालों में भूरि भाग दशरथ समनाही, दशरथ जी के समान अत्यंत भाग्यवान और कोई नहीं है। तुलसी आगे कहते हैं कि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिज थोर सबुतासु, राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगल मूल कल्याण का आधार, तासु उसको या उसके लिए, और बदन अर्थात मुख। तुलसी कहते हैं कि मंगल मूल राम सुत जासु, कि मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, जो कछु कही जिस थोर सबु तासु, उनके लिए जो कुछ भी कहा जाए सब कूड़ा है। और राय सुभाय मुकुर कर लीना, और राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण लिया, मुकुर अर्थात दर्पण, दर्पण लिया, और बदन उभिलो की मुकुट सम कीन्हा, और उसमें अपना मुख देख करके अपने मुकुट को सम अर्थात थोड़ा सीधा किया। तुलसी आगे कहते हैं कि श्रवण समीप भये सित केसा, मनहु जड़पनु अस उपदेशा, नृप जुबराज राम कहूं देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। श्रवण समीप, श्रवण अर्थात कान, सित केसा अर्थात सफेद, केस अर्थात बाल, सित यानी सफेद, केसा सित केसा बाल सफेद हो गए, जरठपनु बुढ़ापा, और लाहु अर्थात लाभ। जब राजा ने स्वाभाविक रूप से वैसे ही दर्पण उठा करके देखा तो क्या देखा कि श्रवण समीप भये सित केसा, की कानों के पास के जो बाल हैं अर्थात जो कलम है वो सफेद हो गए हैं, और मनहु जरठपनु अस उपदेशा, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है, कैसा कि नृप जुबराज राम कहूं देहूं, और जीवन जन्म लाहु किन लेहूं, कि हे राजा रामचंद्र को युवराज पद देकर अपने और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हो। आगे तुलसी कहते हैं कि यह विचार उर आन नृप सुदिन सुअवसर उपाय, प्रेम पुलकित तन मुदित मन गुरहि सुनाय उजाय। कि आनी यानी लाकर, पुलक की रोमांच युक्त या गदगद होकर, तुलसी कहते हैं कि यह विचार उर आनी नृप सुदिन स्वअवसर उपाय, कि राजा ने यह विचार हृदय में लाकर, कौन सा विचार, कि अब यह उचित अवसर आ गया है कि राम को युवराज पद दे करके और आगे के जन्मों का लाभ लिया जाए, और इसलिए तुलसी कहते हैं कि यह विचार उर आनी नृप सुदिन स्वअवसर उपाय, कि तुलसी यह विचार अपने मन में लाकर, अपने हृदय में लाकर, और सुदिन सुअवसर उपाय तथा शुभ दिन और सुंदर समय पाकर, और प्रेम पुलक की तन मुदित मन गुरहि सुनाय उजाय, और प्रेम से पुलकित शरीर होकर और प्रसन्न मन से यह विचार जाकर के गुरु वशिष्ठ जी को सुनाया। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि कहें भुआल सुनिए मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरिमित्र उदासी। तो उदासी अर्थात उदासीन अर्थात जो ना तो मित्र हैं और ना ही शत्रु। कहें भुआलु, राजा कहते हैं कि सुनिए मुनि नायक, हे मुनियों में श्रेष्ठ सुनिए, भये राम सब विधि सब लायक, रामचंद्र जी सब प्रकार से
सभी कार्यों के योग्य हो गए हैं, सब योग्य हो गए हैं। और सेवक सचिव सकल पुरवासी, सेवक मंत्री समस्त नगर के निवासी, और जे हमारे अरि मित्र उदासी, और जो हमारे शत्रु मित्र और उदासीन है वे सब, सब ही राम प्रिय जही विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोहु सब रोर ही नाई। सोही शोभा देता है, गोसाई ये स्वामी, छोहु अर्थात स्नेह या प्रेम, रौरे ही अर्थात आपके ही, नाई समाध। दशरथ कह रहे हैं उन्हें वशिष्ठ थे कि सब ही राम प्रिय जही विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोही, कि रामचंद्र जी सबको उतने ही प्रिय हैं जितना मुझे, और उनके रूप में मानो आपका आशीर्वाद शरीर धारण कर शोभा दे रहा है। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहीं छोहु सब रौर ही नाही। स्वामी परिवार के साथ सभी ब्राह्मण आपके ही समान उनसे स्नेह रखते हैं। जे गुरुचरण रेनु सिर धरही, ते जनु सकल विभव बस करही, मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब उपायउ रज पावनि पूजे। रेणु अर्थात रेणु या धूलि, बस अर्थात अधीन, अनुभयउ अर्थात जाना या अनुभव किया, दूजे दूसरा। राजा दशरथ कहते हैं कि जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, कि जो लोग गुरु के चरणों की धूलि को मस्तक पर धारण करते हैं, ते जनु सकल विभव बस करही, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को वश में कर लेते हैं। और मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, इसका अनुभव मेरे समान किसी और ने नहीं किया। तब पायउ रज पावनि पूजे, आपके पवित्र चरणों की रज की पूजा करके, आपके पवित्र चरणों की धूलि की पूजा करके मैंने सब कुछ पाया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखे सहज स्नेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। पूजे ही अर्थात पूरा होगा अनुग्रह कृपा, सहज स्वाभाविक, और रजायसु अर्थात आज्ञा। राजा दशरथ कहते हैं कि अब अभिलाषु एक मन मोरे, कि अब मेरे मन में एक अभिलाषा और है, और वह क्या है? पूजे ही नाथ अनुग्रह तोरे, हे स्वामी वह अभिलाषा आपकी ही कृपा से पूरी होगी। मुनि प्रसन्न लखी सहज स्नेहु, कहेउ नरेश रजाय सुदेहु। राजा का स्वाभाविक स्नेह देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे राजन आज्ञा दीजिए, अर्थात अपनी अभिलाषा कहिए। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। अभिमत अर्थात चाही हुई वस्तु, चाही गई वस्तु या मनोरथ, दातार देने वाला, अनुगामी पीछे चलने वाले, और महिप मन अर्थात राजाओं में मणि के समान। वशिष्ठ कहते हैं कि राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दाता, कि हे राजन आपका नाम और यश सब चाही गई वस्तुओं को देने वाला है। फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजाओं में श्रेष्ठ, सब फल आपके मन की अभिलाषा के पीछे पीछे चलते हैं। तुलसी आगे लिखते हैं कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले उराव रहस्य मृदुबानी, नाथ राम करी हई जुबराजू, कही ये कृपा करी करी ये समाज। तो रहस्य अर्थात प्रसन्न होकर या हर्षित होकर, समाज अर्थात तैयारी या समान। तुलसी लिखते हैं कि सब विधि गुरु प्रसन्न जिए जानी, बोले उराव रहस्य मृदुबानी, कि अपने मन में अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जान करके और हर्षित होकर के राजा मीठी वाणी से बोले, क्या नाथ राम करी हैं जुबराजू, कि हे नाथ अब आप श्री रामचंद्र जी को युवराज के पद पर सुशोभित करें, और कहिए कृपा
करी करी ये समाजो, हे नाथ कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यह होई उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू, प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन मान। उछाहू अर्थात उत्सव, लोचन अर्थात नेत्र या आंखें, प्रसाद कृपा, निबाही अर्थात पूरा किया। दशरथ कहते हैं कि मोहि अछत यह होई उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू, कि मेरे जीते जी यह उत्सव हो जाए जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लें, और प्रभु प्रसाद शिव सबई निबाही, यह लालसा एक मन माही। प्रभु की कृपा से अर्थात आपकी कृपा से शिव जी ने मेरी सब इच्छाएं पूरी की हैं, अब केवल यही एक इच्छा मन में रह गई है, यह लालसा एक मन माही। पुनः न सोच तनु रहू कि जाऊ, जही न हो पाछे पछताऊ, सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल बोध मूल मन पाए। द्रुपुनि अर्थात फिर जेहि, जिससे मोद आनंद भाए अच्छे लगे या प्रसन्न हो। पुनि न सोच तनु रहो कि जाओ, जेहि न हो पाछे पछताओ। दशरथ कहते हैं कि फिर चाहे ये शरीर रहे या नहीं रहे, अर्थात इस मनोकामना के इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर ये चाहे शरीर रहे या चला जाए, इसकी कोई चिंता नहीं। सुन मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचनों को सुनकर मुनि मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। तुलसी आगे लिखते हैं कि सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरन न जाही, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगाम। कि विमुख अर्थात प्रतिकूल, अलग या उल्टा, जरनी हृदय का कष्ट या मन की जलन, जी की जलन, तनय पुत्र सोई स्वामी, वही प्रभु अर्थात समस्त संसार के स्वामी। वशिष्ठ कहते हैं कि सुन नृप जासु विमुख पछताही, जासु भजन बिनु जरन न जाहि, कि हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं। सुन नृप जासु विमुख पछताही, जिनसे विमुख होकर हे राजन लोग पछताते हैं, और जासु भजन बिनु जरन न जाहि, जिनके भजन के बिना जी का ताप नहीं जाता, भयो तुम्हारे तनय सोई स्वामी, वही प्रभु तुम्हारे पुत्र हुए हैं, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे चलने वाले हैं। बेगी विलंबुन करिय नृप साजिय सबई समाज, सुतिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुब राज। बेगी अर्थात जल्दी शीघ्र साजिय सजाइए या ठीक कीजिए। वशिष्ठ कहते हैं कि बेगी विलंब न करिए नृप साजिए सबई समाज, कि हे राजन अब देर मत कीजिए, सब सामान सजाइए, सब व्यवस्था कीजिए, ठीक कीजिए, और सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुब राज। शुभ दिन और सुंदर मंगल समय तब ही होगा जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए, उनके युवराज पद पर सुशोभित हो जाने के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही। अयोध्या कांड की शेष चर्चा हम अगले वीडियोज में करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। PDF तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें तथा घंटी वाला बटन दबाकर भविष्य के सभी वीडियोस की सूचना अपने तक सबसे पहले पहुंचाएं, और देखते रहें बातें साहित्य। धन्यवाद।